जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. राइट, प्रीवियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन. राइट, फिर हमने मेंडल के बारे में जाना. राइट, मेंडल के बारे में जाना. ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. राइट, पी प्लांट में कौन कौन से करेक्टर थे जो कि हमने स्टडी करे थे, तो एक बार उनको देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे. तो ये देखिए, देयर आर 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल. राइट, दीज आर द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स. हेयर यू विल सी द करेक्टर डोमिनेंट ट्रेट एंड द रिसेसिव ट्रेट. राइट, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड. राइट, सीड कलर राउंड और ग्रीन है ना. फ्लावर कलर वॉयलेट फ्लावर होंगे और या फिर वाइट फ्लावर होंगे. पॉड शेप फुल होगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, जो कॉन्स्ट्रिक्शन आप देख रहे हैं इसमें. पॉड शेप है ना, पॉड कलर ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो. फ्लावर पोजीशन एक्सियल, ठीक है, एक्सियल या फिर टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पर. स्टेम हाइट दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ. राइट, फिर हमने ये जाना था वाई ही सेलेक्टेड पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट को ही क्यों चूज करा था. ही सेलेक्टेड पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, द साइंटिफिक नेम इज पाइसम सेटाइवम. ही सेलेक्टेड पाइसम सेटाइवम बिकॉज इट हैज़ वेल डिफाइंड करेक्टर्स. वेल डिफाइंड करेक्टर्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं. पी प्लांट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर. कैसा फ्लावर है ये? बाइसेक्सुअल फ्लावर है. प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजिंग इसमें एबिलिटी हमें देखने को मिलती है. राइट, इट कैन बी ईजिली हाइब्रिडाइज. राइट, ईजी हाइब्रिडाइजेशन भी हमें देखने को मिलेगा. ईजी टू कल्टिवेट, इसको कल्टिवेट करना ईजी है. किसको? पी प्लांट को, है ना, पी प्लांट को कल्टिवेट. राइट, एंड इट इज सुटेबल फॉर दैट क्लाइमेट. राइट, इट इज सुटेबल फॉर दैट क्लाइमेट. नाउ सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, प्रीवियसली हैव कवर्ड सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज, बट वी विल रिवाइज इट अगेन. कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है ना, जो छूट गई थी वो भी हम लोग कवर कर लेंगे. तो टर्मिनोलॉजी में हमने पहली टर्मिनोलॉजी थी हमारी जीन. राइट, जो जीन है वो किसने दिया था? जोहेंसन ने दिया था. द वर्ड जीन इट वॉज गिवन बाई जोहेंसन. इट इज़ द स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट. ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट है वो क्या है? आपकी जीन है. पार्ट ऑफ डी एन ए हैविंग पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ डी एन ए विच आर हैविंग द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. राइट, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड. किसकी बनी होगी वो? पॉली न्यूक्लियोटाइड की वो बनी होगी. ठीक है, डी एन ए है. ठीक है, डी एन ए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. राइट, और वो उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं. कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? एडेनिन, गुएनिन. ठीक है, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन. ठीक है, एडेनिन, थायमिन, गुएनिन और साइटोसिन, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं. तो एक स्ट्रैंड जो होगा वो, ठीक है, एक स्ट्रैंड होगा वो आपस में कैसे जुड़ा होगा? वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ा होगा. और वो आपस में दोनों स्ट्रैंड किस तरीके से जुड़े होंगे? वो हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़े हुए होंगे, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से वो जुड़े होंगे. जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये यहाँ पर जैसे ये हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, है ना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो गया. आपस में ये जो है बीच में बॉन्डिंग होगी, इसमें बॉन्डिंग हो गई. ठीक, ये बॉन्डिंग हो गई, ये हो गई, ये इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वी विल कवर दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एट डी एन ए. तो किसका बना होगा? यहाँ पर एक 5' एंड होता है ना, 5' एंड होगा, और यहाँ पर 3' एंड है ना. क्लियर, यहाँ पर 3' एंड और यहाँ पर एक 5'. तो बोथ स्ट्रैंड्स, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों ही क्या होंगे? एंटी पैरेलल देखने को मिलेंगे. सो इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. इट इज़ हैविंग, सो जीन में क्या होगा? कुछ इन्फॉर्मेशन होगी. किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए. ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी हमें जानना है. ठीक है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? कि डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए का फॉर्मेशन है. ठीक, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. आरएनए से, ये सेल के अंदर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. राइट, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, है ना. आरएनए से प्रोटीन को
आरएनए से प्रोटीन का बनना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट। सो इट मींस डीएनए इज हैविंग सम इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो कोडेड फॉर्म में होगी, राइट। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये डीएनए है, डीएनए का ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हमने मान लिया, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, ये हो गया जीन मान लिया, ठीक है, ये जीन वन मान लिया, ठीक, ये जीन वन है और ये हमने मान लिया जीन टू, राइट। सो दिस पार्ट विल कैरी सम इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो दिस पार्ट विल कैरी सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड इट विल बी कॉपीड द इन्फॉर्मेशन डेट इज प्रेजेंट इन इन द जीन वन और जीन टू हेयर, इट विल बी कॉपीड बाई द आर एन ए, राइट। सो डी एन ए इट विल फॉर्म द आर एन ए डेट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आर एन ए विल फॉर्म द प्रोटीन, राइट, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। फिर जीन कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर लोकस ऑन द क्रोमोसोम, तो कहाँ पर प्रेजेंट है, पर्टिकुलर जगह पर प्रेजेंट है क्रोमोसोम पर, ठीक है, पर्टिकुलर लोकस पे प्रेजेंट है, लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोसोम्स, तो उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, वो लीनियर अरेंजमेंट होगा, है ना, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन का अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, वो लीनियरली अरेंज्ड होंगे, राइट। देन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज योर एलील, ठीक है, जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है कौन सी, एलील है, तो एलील जो है बैटसन ने दी थी, तो एलील का मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, उसको हम एलील कहते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलील कहते हैं। तो इट कंसिस्ट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, मान लो एक है टॉल प्लांट, राइट, तो टॉल प्लांट के लिए एलील, टॉल प्लांट के लिए क्या हो गया जीन, ठीक है, जो टॉल प्लांट है उसके लिए कैपिटल टी हो गया, राइट, टॉल, और एक टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट का ऑल्टरनेट क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट, तो उसके लिए क्या होगा, स्मॉल टी, राइट। सो कैपिटल टी का ऑल्टरनेट क्या हुआ, स्मॉल टी, ठीक है, और जो स्मॉल टी है उसका ऑल्टरनेट क्या हुआ, कैपिटल टी, यानी कि टॉल का ऑल्टरनेट क्या हुआ, ड्वार्फ, और ड्वार्फ ऑल्टरनेट क्या, ऑल्टरनेट हुआ टॉल, है ना। तो एक ही जीन का दूसरा ही वैकल्पिक रूप, उसको हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी इसमें है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एलील। क्लियर हुई ये बात आपको, ठीक है, एलील क्या होता है। सो एलील बैटसन ने दिया था। फिर होमोजाइगस और क्या है, यहाँ पर होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस। सो होमोजाइगस क्या है, होमोजाइगस इज सेल विद टू आइडेंटिकल जीन्स, ऐसी सेल जिसके अंदर हमें दो आइडेंटिकल जीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, सो दे आर हैविंग द आइडेंटिकल जीन्स, दैट इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस। फिर हेटरोजाइगस इज सेल विद ए जीन एंड इट्स एलील, ठीक है, एक सेल होगी, ठीक है, एक सेल है और उसके साथ क्या है, उसका जीन है, ए सेल विद ए जीन एंड इट्स एलील, ठीक है, तो ये देख लो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गया, हेटरोजाइगस वाली कंडीशन हो गई। क्लियर हुई है टर्मिनोलॉजी। फिर नेक्स्ट इज योर जीनोटाइप, ठीक, जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोटाइप का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द जीनोटाइप, राइट। तो जीनोटाइप क्या होगा, जो जीन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, तो ये जीनोटाइप हो गया। फिर फिनोटाइप क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप, ठीक, तो जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसकी हाइट क्या होगी, लंबी हो गई, है ना, तो उनके प्रीवियस जो एंसिस्टर हैं उनकी भी हाइट क्या, लंबी है, तो यानी कि उनके अंदर ऐसा जीन प्रेजेंट है, ऐसे जीनोटाइप हैं जिसकी वजह से क्या होगी, उनका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, ठीक है, यानी कि जो उनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, जो उनका फिनोटाइप है, ठीक है, वो उसको शो कर रहा है ना। फिनोटाइप का मतलब क्या होगा, बाहरी जो फीचर्स होंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द जीनोटाइप, तो जो लंबी हाइट हो गई, ठीक है, लंबी हाइट हो गई, यानी कि उस लंबी हाइट के लिए कोई पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, डेट इज़ द जीनोटाइप। क्लियर, सो जीनोटाइप इज़ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फिनोटाइप इज़ द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप। फिर
डोमिनेंट जीन और द रिसेसिव जीन, ठीक, डोमिनेंट जीन और द रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन का मतलब क्या हुआ, दे आर एबल टू एक्सप्रेस ऐसे जीन, ठीक है, दोज जीन्स दैट आर एबल टू एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, राइट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमिनेंट जीन कहते हैं। जैसे मान लो ये रहा, ये होमोजाइगस कंडीशन में भी है, ठीक है, होमोजाइगस है ना, होमोजाइगस कंडीशन में भी है ये, फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन भी है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी है, तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या कर रहा है अपने आपको, एक्सप्रेस कर रहा है, सो दैट इज द डोमिनेंट जीन, क्लियर। रिसेसिव जीन, दीज आर दोज दैट आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द होमोजाइगस कंडीशन, ऐसे जीन जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करें, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग रिसेसिव जीन। एग्जाम्पल क्या हुआ, स्मॉल टी हो गया, ठीक है, स्मॉल टी हो गया, तो ये एक इसका एग्जाम्पल हुआ रिसेसिव जीन का। फिर ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है ना, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें लगातार क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग टर्मिनोलॉजी में दे आर हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें लगातार क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हमें देखने को मिलेगा, राइट, तो यानी कि उसमें एक ही तरह करेक्टर जनरेशन में जा रहे हैं, क्लियर। तो ये हमने सारी टर्मिनोलॉजी को समझा, ठीक, उसके अलावा इसमें एक और है टेस्ट क्रॉस, जब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई टेस्ट क्रॉस क्या होता है ना, टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो भी हमें जानना ज़रूरी है ना। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। पहले हम देखते हैं क्या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या एक्सप्रेस कर रखें, क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हैं उसमें इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में क्या लिखा हुआ है। देखिए एनसीईआरटी में देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल, वेयर ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का, जो मेंडल ने किया था, तो उसमें क्या करा, उसने टॉल प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस करवाया टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि उसमें इनहेरिटेंस देखा वन जीन का, यानी कि एक करेक्टर की जो स्टडी करी है ना, एक करेक्टर की जो स्टडी करी है उसने, यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स फॉर द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो क्या करा, सीड्स को कलेक्ट करा, ठीक, ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट्स फॉर द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। दिस जनरेशन इज कॉल्ड द फीलियल जनरेशन और द फन, पहली पीढ़ी, ठीक है, एफ वन का मतलब क्या हो गया, पहली पीढ़ी, दैट इज द एफ वन जनरेशन। सो मेंडल ऑब्जर्वड दैट ऑल द एफ वन प्रोजेनी प्लांट्स फॉर टॉल। तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व करा, जो पहली पीढ़ी होगी, ठीक है, जो पहली फर्स्ट जनरेशन होगी, यहाँ पर कैसे होंगे, टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स नन वर ड्वार्फ, तो कोई इसमें ड्वार्फ नहीं होगा, ठीक है, कोई इसमें ड्वार्फ नहीं होगा। ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, ही फाउंड दैट द एफ वन ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स। तो उसने और भी, मतलब और भी करेक्टर लिए, है ना, और भी देखे, ठीक है, और भी ट्रेट लिए, तो उसने देखा कि जो पहली पीढ़ी है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट द एफ वन ऑलवेज रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट्स, जो एफ वन होंगे वो पेरेंट से ही रिजेंबल कर रहे हैं, एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट्स वॉज नॉट सीन इन दैम, ठीक है, तो ट्रेट होगा दूसरे पेरेंट्स का वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये उसने देखा। फिर यहाँ पर इन्होंने क्यों लिखी है, स्टेप्स इन मेकिंग क्रॉस इन पी, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वी आर अवेयर दैट पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट कैसा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो पी प्लांट में इट कंटेन्स द पेटल, राइट, पेटल होगा, स्टिग्मा, एंथर, स्टेमन एंड द कॉर्पल, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, ये फीमेल पेरेंट है, राइट, ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है, दैट फिर क्या करा इन्होंने, ईमेस्कुलेशन कर दिया। ईमेस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द एंथर्स,
राइट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको ईमेस्कुलेशन के बारे में बताया था, है ना। ईमेस्कुलेशन के बारे में जब बताया था तो ईमेस्कुलेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ द एंथर्स, राइट, ट्रांसफर ऑफ द पोलन। ये मेल पेरेंट है तो यहाँ से क्या करा, पोलन ट्रांसफर कर दिया, मेल पार्ट को हटा दिया, राइट। यू विल सी दिस पी प्लांट, है ना, क्रॉस करवा कर, ठीक है, क्रॉस करवा कर यहाँ पर पी प्लांट को देखा इन्होंने। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर कुछ हमने क्या लिए यहाँ पर, दो वेराइटी ली, ठीक है, दो करेक्टर हमने लिए यहाँ पर, टॉल का डॉर्फ के साथ क्रॉस करवाया, तो उसमें पहली पीढ़ी होगी जो फर्स्ट जनरेशन होगी, तो उसमें हमें टॉल प्लांट्स देखने को ही मिल रहे हैं, है ना, टॉल प्लांट्स ही देखने को मिल रहे हैं। फिर एक और डायग्राम है इसमें, पहले चलो पहले इसको थ्योरी देख लेते। मेंडल देल सेल्फ पॉलिनेटेड द एफ वन प्लांट्स टू दिस सरप्राइज, ठीक है, मेंडल ने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेट करा एफ वन प्लांट्स को, ठीक है, जो एफ वन पहली पीढ़ी वाले को सेल्फ क्रॉस किया, और सरप्राइज क्या देखा उसने, दैट इन द फीरियल जनरेशन सम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग वर ड्वार्फ, ठीक है, जो दूसरा जो जो उसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया एफ वन को, तो उसने देखा कि भाई कुछ ऑफ स्प्रिंग ड्वार्फ भी हैं, ठीक है, कुछ ऑफ स्प्रिंग कैसे हैं, वो ड्वार्फ भी हैं, बोनी भी हैं, द करेक्टर दैट वॉज नॉट सीन इन द फर्स्ट जनरेशन नाउ एक्सप्रेस, यानी कि कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिख रहे थे लेकिन वो दूसरी पीढ़ी में एक्सप्रेस हो गए हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द एफ टू प्लांट्स वाइल 3/4 ऑफ द एफ टू प्लांट्स वर टॉल, जो रेशियो आया यहाँ पर, ठीक है, जो रेशियो आया यहाँ पर एफ टू प्लांट्स में वो क्या था, 3/4 ऑफ द एफ टू प्लांट्स वर टॉल, ठीक है, 3/4 कैसे थे वो टॉल थे, ठीक है, कैसे थे वो टॉल थे, है ना। द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, तो उसमें कोई मिक्सिंग नहीं थी ना, कोई मिक्सिंग नहीं थी, दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर आइदर टॉल और ड्वार्फ एंड नन ऑफ देम वर इंटरमीडिएट, है ना, कोई उसमें इंटरमीडिएट नहीं देखने को मिले था, क्लियर। सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेंड विद द अदर ट्रेट्स दैट ही स्टडीड, ओनली द पेरेंटल ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन वाइल सिमिलर यस वाइल ओनली द पेरेंटल ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द एफ वन जनरेशन वाइल एट द एफ टू स्टेज बोथ द ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन 3:1, द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर एफ वन और एफ टू। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास्ड अनचेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग दो थ्रू द गैमिट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन, ही कॉल्ड एज दीज फैक्टर्स थिंग्स दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज फैक्टर्स नाउ वी टर्म एज जीन्स। मतलब जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी मेंडल की, तो उसने ये देखा कुछ ऐसी चीज है जो कि पास हो रही है, ठीक है, अनचेंज्ड क्या हो रही है, पास हो रही है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, किसके द्वारा, थ्रू द गैमिट्स, लगातार हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ जो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको उसने क्या नाम दे दिया, फैक्टर नाम दे दिया। तो मेंडल जो थे उनको ये भी नहीं पता था जब उसने अपना पूरा वर्क वगैरह कर लिया था, ठीक है, कि भाई जीन नाम की भी कुछ चेंज होती है, है ना, तो जीन की जगह उसने क्या बताया था, फैक्टर को बताया था, ये याद रखना। नाउ वी कॉल्ड देम जीन्स, राइट, तो जीन्स के बारे में हमने डिटेल में भी स्टडी करी थी। जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो जीन्स क्या है यहाँ पर, यूनिट है किसकी, इनहेरिटेंस की। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, आगे ना वही चीज जो अभी हमने पढ़ी थी, जीन क्या है, एलील क्या है, तो जीन विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सेम जीन, तो क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंट होगी, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन जिसे हमने कहा था, ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन जिसे हमने कहा था, क्लियर हुई, ठीक है। तो ये हमने देखा, है ना, ये हमने समझा कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। फिर ये वाला जो डायग्राम है ना, डायग्राम तो जो हम पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इट कम्स अंडर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब एक ही यहाँ पर करेक्टर को कंसिडर किया गया है, ठीक है, एक ही करेक्टर को यहाँ पर कंसिडर किया गया है, ठीक। पेरेंटल टॉल
किसके साथ क्रॉस करवाया, ड्वार्फ के साथ में जो लंबी हाइट के पौधे थे, छोटे हाइट के पौधों के साथ क्रॉस करवाया। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में टॉल आए, उसकी सेल्फिंग हो गई, ठीक। इन दिस F2 जनरेशन जो दूसरी पीढ़ी थी, तो उसमें 3 टॉल आ गए और एक ड्वार्फ भी आ गया। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये हो गया क्या आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, एक बार हम देखते हैं, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मिट रहा थोड़ा सा, वन पेयर ऑफ करेक्टर, ठीक है। वन पेयर ऑफ करेक्टर दैट इज लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ द प्लांट में क्या आ गया, टॉल हो गए या फिर ड्वार्फ हो गए। प्योर होमोजाइगस टॉल, ठीक है, प्योर होमोजाइगस टॉल लिया हमने, ठीक। प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ लिया पेरेंट्स, तो फर्स्ट जनरेशन कैसे आए, यहाँ पर टॉल है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेट हुए, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट के बाद क्या हुआ, टॉल और ड्वार्फ आ गए, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, दूसरी पीढ़ी में ये हमने देखा, ठीक। फिर ये हुआ यहाँ पर, जैसे क्रॉस करवाते हैं इसका, ठीक। तो इसको मैं आपको शो करता हूँ नोट्स में, एक मिनट देखिए। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में पेरेंट्स लिया, टॉल और ड्वार्फ लिया, फर्स्ट जनरेशन में क्या आ गए, टॉल हुए, ठीक है। टॉल को हमने क्या करा, फिर सेल्फ पॉलिनेट किया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट किया। तो ये कैसी कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, सेल्फ पॉलिनेट हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। दो तरह गैमिट हो गए, ठीक है, ये भी दो तरह के हो गए, ठीक है, ये भी दो तरह के हो गए। तो टू इंटू टू, तो कितने हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। ये दो इधर हो गए, ठीक है, ये दो हो गए, ठीक है, ये दो इधर हो गए, है ना, टू इधर और टू इधर, टू इंटू टू 4, यानी। और ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पनेट स्क्वायर। द नेम ऑफ दिस बॉक्स इज नोन एज द पनेट स्क्वायर, ठीक है, पनेट स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि इसमें आधे अभी रिप्रेजेंट करने के लिए है, ठीक है, गैमिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेल गैमिट एक तरफ, फीमेल गैमिट एक तरफ, राइट। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस तरफ लिख दिया हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्रॉस करवाया, ठीक है। तो सॉरी, ये देखा हमने, कैपिटल टी आया, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी आ गया। देखो 1/4 इसमें ड्वार्फ आए और 3/4 क्या आ गए, टॉल आ गए। यही जो है, जो NCERT ने पूरा एक्सपेंड करके जो लिखा हुआ, वही इसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा। नाउ हेयर वी हैव टू फाइंड द फीनोटाइप एंड द जीनोटाइप रेशियो, राइट। तो क्या हम इसमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप और रेशियो को बताना है ना। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया यहाँ पर, 3:1, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, राइट। तो फिनोटाइप का मतलब फिजिकल फीचर्स, 3 टॉल हो गए और 1 ड्वार्फ हो गया। जीनोटाइप रेशियो 1:2:1, दैट इज द जीनोटाइप रेशियो, क्लियर। तो ये हमने देखा, 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है, ये फिनोटाइप हो गया। और जीनोटाइप क्या होगा इसमें, ठीक है, जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 हैं और ये 1 है रिसेसिव वाला, क्लियर हुआ, ठीक। तो ये भी मैंने आपको बताया था, मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वॉज बींग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमिट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, ही कॉल्ड देम फैक्टर्स, क्या नाम दिया उसको, फैक्टर्स नाम दे दिया। आज की डेट में हम उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको जीन्स कहते हैं, राइट। तो जीन्स भी हमने बता दिया था आपको, ठीक है, जीन्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, है ना। फिर उसके बाद में चलिए NCERT पे आ जाते हैं, NCERT में क्या लिखा हुआ है, जो सिंबल्स हैं उसके लिए उन्होंने यही बता रखा है कि भाई क्या क्या सिंबल हम इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, कौन कौन से सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ। इफ़ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, देन द कैपिटल लेटर फॉर द ट्रेड एट द फर्स्ट स्टेज एंड द स्मॉल अल्फाबेट फॉर द अनदर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द कैरेक्टर हाइट, टी इज यूज फॉर द टॉल ट्रेड, है ना, तो ये अवेयर है। तो स्मॉल टी के लिए ड्वार्फ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील्स ऑफ ईच अदर, हैंस इन द प्लांट द पेयर ऑफ एलील्स ऑफ द हाइट वुड बी, ये हो गए इसके कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल ऑल्सो प्रपोज दैट इन ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पी वेराइटी द एलिलिक पेयर ऑफ द जीन्स फॉर हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, वो
ट्रू ब्रीडिंग में कैसे होंगे वो, ट्रू ब्रीडिंग वाले में क्या होंगे वो, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, आइडेंटिकल होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी रेस्पेक्टिवली. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर कॉल्ड द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. एक एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको क्लियर करी है, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है. द प्लांट वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ आर फीनोटाइप, व्हाट वुड देन बी द फीनोटाइप ऑफ द प्लांट हैविंग ए जीनोटाइप टीटी. तो इन्होंने पूछा है कि भाई कैसा होगा, क्या फीनोटाइप होगा. ठीक है, क्या फीनोटाइप होगा जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी. तो फीनोटाइप तो टॉल ही हो गया ना, टॉल हो गया. एज मेंडल फाउंड दैट द फीनोटाइप ऑफ द फर्स्ट हेटरोजाइगस कैपिटल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी इन एक्सपीरियंस ही प्रपोज्ड दैट इन ए पेयर ऑफ डिसिमिलर कैरेक्टर्स वन डोमिनेट्स द अदर एंड हेंस इज कॉल्ड द डोमिनेंट फैक्टर. मैंने कहा था आपको तो डोमिनेंट होगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटरोजाइगस कंडीशन में भी, और जो रिसेसिव होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर. इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी. ठीक है, तो ये इसके ऊपर ही ऑब्जर्व्ड आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द करेक्टर्स ट्रेट्स पेयर ही स्टडीड. ठीक, ये सिंबल इन्होंने दी है ना, ये सिंबल्स. इट इज कन्वीनियंट टू यूज कैपिटल एंड लोअर केस ऑफ द अल्फाबेटिकल सिंबल टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. Do not use T for tall and D for dwarf because you will get find it difficult to remember T and D are the alleles of the same gene or character. तो confusion ना हो उसके लिए इन्होंने ली है. Alleles can be similar as in case of homozygotes. ठीक है, homozygotes capital T and small T can be dissimilar as in case of heterozygotes since कैपिटल टी स्मॉल टी हेटरोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट. तो यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर की स्टडी करी अभी तक, जितनी भी हमने कहानी पढ़ी है यहाँ पर, तो जो भी हम समझा रहे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में, तो यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर को स्टडी करा, डेट इज द हाइट. इट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो जो हम पढ़ते हैं, जो 12th क्लास से आप लोग पढ़ोगे, तीन लॉज हैं इसमें, मेंडल की तीन लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. हालांकि डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो कंसीडर नहीं की जाती है ना, कंसीडर नहीं की जाती, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम लोग कंसीडर करते हैं ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही हम लोग कंसीडर करते हैं. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल लॉ भी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी कहते हैं. ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड्स भी कहते हैं. तो हमने शुरू से ही देखा कि भाई इसमें कि भाई कैसे डोमिनेंट में भी कैसे करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है पहली जनरेशन में, फिर उसके बाद सेल्फिंग करवाया. ठीक है, तो वो पूरा जो मिला के क्या हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमने कवर कर लिया है ना, कवर कर लिया. तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर पूरा इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें. ठीक है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक, ये आप डायग्राम देख सकते हो. ठीक है, डायग्राम में देख सकते हो, पनेट स्क्वायर यूज टू अंडरस्टैंड ए टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाई मेंडल बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने कहा टॉल ड्वार्फ. ठीक है, पहली जनरेशन सारे टॉल मिल गए है ना, टॉल मिल गए, थोड़ा सा इन्होंने वैसे बना दिया है ना. फिर सेल्फिंग करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी. देन ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन में टॉल थे. ठीक है, ये पूरा जो है, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को. ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर ख़त्म. ठीक है, डोमिनेंस खत्म हो गया और ये पूरा यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक, दिस इज़ योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं. इसका स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे है ना, स्टेटमेंट भी देखेंगे. तो ये हमने देखा फिनोटाइप रेशियो क्या आ गया इसमें, टॉल और ड्वार्फ 3:1. जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया इसमें, 1:2:1. ठीक है, 1:1. और ये जो बॉक्स है, दिस इज द पनेट स्क्वायर. ठीक है, किसने डिस्कवर किया था ये, एक जेनेटिशियन थे रेग्नॉल्ड सी पनेट. ठीक है, ब्रिटिश के पर्सन थे वो, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. ठीक, इट्स ऑल अबाउट योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, यही सारा हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं. आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर.